जो भी भाई इंडिया से सऊदी आने के बारे में सोचते हैं कि मैं जाऊं सऊदी में और पैसा कमाऊं, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर सऊदी अरब में आना चाहते हैं पहली बार, जो पहली बार आना चाहते हैं, ख़ास करके उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, तो आप लोग 4 से 5 काम आप लोगों को मैं बताऊँगा, वो 4-5 आप सीख करके आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सऊदी अरब में कमा सकते हैं। क्योंकि आप ये अगर ये काम हम सीख करके नहीं आते हैं तो आपको आने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। क्योंकि भाई अभी के हालात ऐसा हो गया है, क्योंकि जो मेरे पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब में, मैं खुद रहता हूँ, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग अगर वो 4-5 काम सीख करके आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के मार्फत से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग सऊदी आने के लिए सोचते हैं, जो भी भाई इंडिया से हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई अगर आप पहली बार फ्रेश में, यानी कि पहली बार सोच रहे हैं कि मैं सऊदी अरब में मैं भी जाऊं और पैसा कमाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप 4 ऐसा 5 काम आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप वो काम अगर सीख करके आते हैं तो इंशाल्लाह मैं गारंटी ले रहा हूं 100%। और मुझे जो है ना 8-10 साल का एक्सपीरियंस भी है सऊदी अरब में, क्योंकि मैं सऊदी अरब में काफ़ी सालों से मैं रहता हूँ, तो मुझे हर चीज़ का तजुर्बा भी है और मालूम भी है कि किस लाइन में कितनी इनकम है, कितना कमाई है। तो आप लोगों को मैं वो 5 काम ऐसा बताऊंगा कि आप वो 5 काम सीख करके आएंगे तो इंशाल्लाह आप महीना का आज़ाद वीसा से आते हैं तो वो काम सीख करके तो आप लोग महीना का तकरीबन तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। अगर फिर अगर कंपनी में आना है, कंपनी में आप आते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 60 से 70 हज़ार रुपया महीना का आपको कोई नहीं रोक सकता, 60-70 हज़ार रुपया महीना के कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों का काम बता देता हूँ, 5 वो काम कौन सा है, वो कौन ऐसा काम है 5, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि फर्स्ट काम, सबसे पहला काम जो है, जो लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि पढ़ा लिखा लोग हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आप पढ़ने के बाद सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं ना, सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर, इस काम में आप आते हैं तो ये सब के कोर्स भी करते हैं, क्योंकि आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा ना सेफ्टी ऑफिसर के लिए, पढ़ने के बाद, पढ़ाई के बाद सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये कोर्स करने के बाद आप सऊदी में आते हैं तो आप सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ कमाएँगे, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर के जो है ना बिल्डिंग लाइन में, जिसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, उस लाइन में 7,000-8,000 रियाल तक के उसका तनख्वाह होती है, और 7-8 हज़ार रियाल को जब इंडिया को आप जोड़ेंगे तो 1 लाख से तकरीबन 1.5 लाख तक हो जाती है, और उसमें जो है ना ओवर टाइम भी मिलता है, तो ओवर टाइम लेकर के 1.5 से 2 लाख रुपया, 1.75 लाख रुपया बैठ जाता है। तो ये सबसे फर्स्ट काम आप लोगों को मैं बताया हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप सेफ्टी का कोर्स कर लीजिए, तो सेफ्टी में आप आएंगे सऊदी अरब में तो अच्छा पैसा कमाएंगे। उसके बाद दूसरा काम है, जो पढ़े लिखा है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गाड़ी बनाने का, जो 4 चक्का गाड़ी बनाने का काम जो होता है, उस काम में आप आते हैं दोस्तों, 4 चक्का गाड़ी बनाने में, 4 चक्का मिस्त्री में, तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि इस काम का भी जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा यहाँ मांग है लोगों का, ख़ास करके इंडिया के लोगों को, क्योंकि काफ़ी सऊदी वगैरह से मेरी बात होती रहती है तो बोलता है कि इंडियन जो 4 चक्का गाड़ी बनाने वाला होता है, मैकेनिक होता है, उसका बहुत ज़्यादा मांग है और गैरेज में ज़रूरत भी है, क्योंकि वो अच्छा मिस्त्री होता है। तो आप लोग दोस्तों ये काम सीख करके आते हैं 4 चक्का बनाने का, तो काफ़ी पैसा ज़्यादा आप कमा सकते हैं। अगर आप कंपनी या कफील में हैं तो 60 से 70 हज़ार रुपया महीना के रुपया बचा सकते हैं। उसके बाद अगर आप आज़ाद में आते हैं तो सलाम अलैकुम, ये सदीक है, अभी मिला है यहाँ पे, कैफल हाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये कैसा अल्हम्दुलिल्लाह कैसा मियां अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये भी समझ लीजिए दोस्ती है, सऊदी का है, सऊदी है ये, तो मैं वीडियो बना रहा था तो कह रहा है कि मुझे भी ले लो, मैं बोला ठीक है मुश्किल नहीं, आ जा, तो ये आया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 चक्का गाड़ी सीख करके आते हैं तो आप जो है ना महीना का तकरीबन कंपनी में या कफील के पास 60 से 70 हज़ार रुपये इंडिया का बचा सकते, कमा सकते हैं, 3,000-4,000-3,500 सैलरी होती है उसमें,
अगर आज़ाद में आते हैं तो आज़ाद में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, तो आप लाख रुपया भी इंडिया का कमा सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम है जो लिफ्ट का काम करते हैं, लिफ्ट मिस्त्री है, लिफ्ट टेक्नीशियन है, लिफ्ट का जो बनाने का काम मालूम है। तो यहाँ सऊदी अरब में जो है ना लिफ्ट जो है ना 100 में से 90% के घरों में, सऊदी लोगों के घर में जो है ना लगा हुआ रहता है, लगता है। तो ये चीज़ सऊदी में ये भी काम बहुत काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लोगों का इस काम में, लिफ्ट मिस्त्री का, लिफ्ट क्या कहते हैं, लिफ्ट बनाने वालों का। तो आप अगर लिफ्ट का भी काम सीख करके आते हैं तो आपको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको सैलरी तनख्वाह मिलेगा, उसमें भी आप सेम सेम उतना ही कमा सकते हैं। कंपनी में आप रहेंगे तो 60-70 हज़ार रुपया मैं 100% कह रहा हूँ कि आप कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आज़ाद में आते हैं तो आज़ाद में भी आप 1-1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि आज़ाद में भाई आप जितना काम मिलेगा, जितना काम करेंगे उतना कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा काम है बिल्डर का। जो लोग बिल्डर का काम जानते हैं या नहीं जानते हैं तो आप लोग सीख लो इस काम में। अगर पहली बार सऊदी आना चाहते हो तो आप लोगों को मैं कहूँगा कि ये काम सब आप लाजिम सीख लो भाई, ज़रूरी है। आप लोग ये काम सीख करके, इलम सीख करके आओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे, ठीक है ना। तो बिल्डर का भी काम आप सीख करके आते हैं तो इसमें भी क्या है, जो गेट वगैरह बनता है ना लोहे का, ख़ास करके यहाँ ज़्यादा करके लकड़ी की और लोहे का, ये दो चीज़ का मांग है, ठीक है। तो आप ये बिल्डर का काम सीख करके आते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आप फीट के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं आज़ाद में रहेंगे तो इसमें भी 1-1.5 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। और अगर कंपनी में रहते हैं तो कंपनी में क्या होता है कि आप जो है ना 40-50 हज़ार रुपये कमाएँगे, उसके बाद ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा तो आपको जो है ना 60-70 हज़ार रुपया हो ही जाएगा महीने का। उसके बाद आप लोगों को मैं पाँचवें काम बताऊँ, एसी टेक्नीशियन। जो एसी टेक्नीशियन है, इस काम को आप सीख करके आते हैं तो काफ़ी इसमें भी जो है ना लोगों का डिमांड है, मांग है, सऊदी अरब में काफ़ी जो है ना एसी का यहाँ यूज होता है। बिना एसी का कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि एसी का जो बगैर इंसान रह सकता है, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है तो हर घर में हर जगह जो है ना एसी लगा जाता है। जहाँ इंसानों का रहने का जगह रहता है वहाँ एसी लाजिम लगना ही है। तो आप लोगों को कहूँगा कि आप एसी का काम सीख करके आते हैं, एसी टेक्नीशियन आपको मालूम है और ये काम सीख करके आते थे, इसमें भी आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। कंपनी में 60-70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, उसमें ओवर टाइम मिलेगा, और आज़ाद में रहेंगे तो आज़ाद में काफ़ी पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत उसमें काम गर्मी में बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये काम सब अगर सीख करके आते हैं तो बेहतर है, फ़ायदा है भाई। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई मैं सऊदी में रहता हूँ, मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ का पता है कि हर काम में क्या सैलरी है, कितनी तनख्वाह है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस काम में पैसा कमाते हैं। और अक्सर मुझे, मैं देखा हूँ 8-10 साल में कई शहरों में, सऊदी में कई शहर में मैं काम किया हूँ, तो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो लोग भी अगर सोचते हैं इंडिया से पहली बार कि मैं सऊदी जाऊँ, सऊदी आने के बारे में सोचते हैं, तो आप लोग ये पाँचों कामों में से कोई एक काम सीख करके आओ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई सऊदी अरब में जाने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कौन सा काम सीखना ज़रूरी है, कुछ किन काम सीख करके हम जाएंगे, किस काम में ज़्यादा पैसा है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं फुल डिटेल में बताया हूँ। तो आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।